अभी सुबह सुबह 9 o'clock से एक क्लास था इंग्लिश का, द वॉइस ऑफ द रेन, सो ये चैप्टर सिखाया था। उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया जो था एक चपाती, और उसके ऊपर मैंने इसे श्रीखंड लगा लिया जो कि मैं यूजुअली वैसे ही करती हूँ, मतलब श्रीखंड लगा के चपाती पे और उसको रोल करके खाती हूँ। सो इसी तरह मैंने ये वाला अपना ब्रेकफास्ट किया, और इस बार मैंने सिर्फ एक ही चपाती ली थी बिकॉज मुझे बिल्कुल मन नहीं था। तो और फिर बाद में दोपहर को मैंने स्टार्ट किया बनाना एक केस, मतलब जो बुक्स थे मेरे बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक ऐसे कार्डबोर्ड से ये बनाऊंगी, मतलब से जिस चीज़ से जो उतना पूरा मेस जो मैंने बना के रखा था तो उसको सॉल्व हो जाए। तो मैंने कल ये नए सैंडल्स लाए थे, तो उसके पास मेरे पास उसके बॉक्स थे, तो मैंने डिसाइड किया मैं उन सैंडल वाले बॉक्स से ही मैं इसको बनाती हूँ। सो या मैंने फिर उसी उन बॉक्स को लिया, उसको फिर कट किया और उसे ब्लैक पेपर से लगाया बिकॉज मेरे पास उस टाइम ब्लैक पेपर ही था, और ब्लैक पेपर अगर ख़राब भी हो जाए तो इतना दिखता नहीं है कि कैसे है। और इसको मैं एकदम सिंपल रखती हूँ बिकॉज हमारी एग्ज़ाम्स हैं 24 और आज 18 है, तो मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा बिकॉज कल तो मुझे जो सब्जेक्ट होगा, जैसे कि कल IP है तो फिर मुझे IP के लिए लर्न करना पड़ेगा, तो आज ही का मेरे पास दिन है जो कि मैं पढ़ाई में यूज़ कर सकती हूँ। फिर मैंने बनाए फ्लावर्स, तो इसीलिए मैं जो कर रही थी कि सोच रही थी कि मतलब जल्दी से जल्दी जितना कर सकूँ उतना कर लेती हूँ, बिकॉज ये मेरा एक्चुअली प्लान नहीं था ये कुछ बनाने का, बट अचानक से ऐसा मन किया तो मैं बना रही हूँ। वैसे ऐसे एग्ज़ाम्स का टाइम बनाना तो नहीं चाहिए, बट हाँ इससे जो माइंड है बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है ऐसे कुछ चीज़ें करने से। मेरा तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग फील हुआ ये करने के बाद। और हाँ थोड़ा मेरा वॉइस, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो शायद कुछ अलग सा वॉइस आ रहा होगा, आई डोंट नो, तो पता नहीं मुझे कैसा तो लग रहा है। ओके सो फिर ये बहुत सारे फ्लावर्स बनाने के बाद वैसे बहुत जल्दी बन गए, ऐसा कुछ टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी बन गए। फिर मैंने इसको जल्दी जल्दी लगा दिया, और इसको मैं कुछ ज़्यादा डेकोरेट नहीं करने वाली बिकॉज डेफिनेटली जैसे मैंने कहा एग्ज़ाम्स है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब डेकोरेट वगैरह करती बैठूँ। इसे सिंपली मैंने जो फ्लावर्स थे उसको ऐसे कॉर्नर्स पर लगाया, और कुछ फ्लावर्स कम पड़ गए थे तो मैंने उसको एक साइड पर लगाया, और एक साइड पर मैंने जैसे तीन तीन के फिर लगाए, और फिर मार्कर से बीच में ऐसे उसे ब्लैक डॉट्स बना दिए। तो ये है फाइनल लुक जैसा वो दिख रहा है अभी। वैसे मुझे नहीं पता कि मैंने इसे कैमरा का एंगल में देख लूँ बिकॉज मुझे नहीं पता कि क्या किया है मैंने। और फिर यहाँ पे मैंने इसे बहुत सारे बुक्स रख दिए, और कुछ खाने के लिए अपने जो बिस्किट्स वगैरह थे वो भी रख दिए, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये मैंने इसे कुछ सिनेमैटिक शॉट लेने का ट्राई किया बट वो अच्छे से वर्क नहीं किया, बट ठीक है। फिर मैंने 6:17 को फिजिक्स का लेसन मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट कर रही हूँ। लाइक मैंने लास्ट टाइम लास्ट डे यानी कि पहले भी किया है, और आधा लेसन बाकी है, आधा मतलब आधे से ज़्यादा लेसन बाकी है, सो जल्दी जल्दी करते हैं। ये यहाँ पे हेडफोन्स हैं और ये इसके अंदर मेरा लैपटॉप है, जल्दी से लैपटॉप निकालते हैं एंड स्टार्ट करते हैं। सो मैंने मोशन इन अ प्लेन आधा लेसन कर लिया था, और अभी ये मैं आगे का लेसन अटेंड कर रही हूँ, मतलब इसको देख रही हूँ बिकॉज मुझे वीडियोस देखने पे ज़्यादा समझ में आता है कि क्या है वगैरह। अगर मैं अपने आप से भी पढ़ने जाऊँगी तो फिर शायद ऐसा हो कि मुझे वो समझ में नहीं आए कंसेप्ट, क्योंकि ये फिज़िक्स है एंड फिज़िक्स में कंसेप्ट बहुत क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो या तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको ऐसे ही करूँगी। सो आई स्टार्टेड विद दिस एंड मैं करती जा रही थी, और फिर इसके बाद मैंने एक स्मॉल ब्रेक भी लिया, बट उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है, यानी कि ये 18 अक्टूबर का वीडियो है और मैं आज यानी कि 30 अक्टूबर को इसको एडिट कर रही हूँ और अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ। सो वो क्यों लेट हुआ, बिकॉज़ हमारी एग्ज़ाम्स थी फ्रॉम 20 से लेकर 27-28 तक, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा बोर हुआ, मैंने एडिट ही नहीं किया, और फिर आज अभी सोचा कि चलो अभी कुछ एडिटिंग कर ही लेते थोड़ा बहुत। तो आज इतना अच्छा मैंने पता नहीं मैंने कैसे एडिट किया है, क्योंकि बहुत जल्दी में थी और मेरे पास और भी वीडियोस हैं लाइक दूसरे चैनल्स के लिए, तो उनके वीडियोस भी एडिट करने बाकी है। सो मैंने इसको ऐसे ही घाई गड़बड़ी में इसे एडिट किया है, सो इतना सीरियसली मत लेना एडिटिंग को, ओके। और फिर ये कम्प्लीट होने के बाद मैंने आई थिंक थोड़ा ब्रेक लिया, और फिर मैंने अपना जो खाना था वो खाया, और खाने में क्या था मुझे तो अभी फ़िलहाल याद नहीं है, क्योंकि वो 18 अक्टूबर का खाना था और आज तो 30 अक्टूबर है तो मैं डेफिनेटली भूल गई। फिर मैंने 8:05 को फिर से स्टार्ट किया विद फिज़िक्स, जो कि मेरा और आधा लेसन बाकी था, बिकॉज मोशन इन द प्लेन एक्चुअली बहुत बड़ा लेसन है, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है,
इसीलिए इस लेसन को करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बट हाँ टाइम लगा बट ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था बिकॉज ये लेसन एक मेन कंसेप्ट बेस्ड लेसन है. सो या मैंने ये लेसन कंप्लीट किया उसी दिन एंड फिर अगले दिन मैंने अपने एग्ज़ाम्स के हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट की. सो दैट्स इट, बाय बाय.